जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर डमटाल के संगैड़ पुल के पास दिल्ली से कारगिल जा रही छात्रों से भरी बस डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रांसफार्मर से टकरा गई। बस में चालक व सहायक सहित 20 लोग सवार थे। थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना मिली पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। हादसे में घायल 4 लोगों को एम्बुलेंस की सहायता से पठानकोट के अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गाँव हर शहर प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।